में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि। और भाई साहब, आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूं जहां पे दिन दिहाड़े दोपहर को भाई राजमा चावल और कड़ी चावल के साथ पटियाला देते हैं। लोग यहां पे झूम रहे होते हैं जब खाना खाने आते हैं। आपको दिखाते हैं कि इतना क्या खास है कि यहां पे कॉर्पोरेट्स वाले, लॉयर्स, बैंकर्स और बहुत ही ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स से जो लोग हैं वो यहां पे आते हैं, अपना राजमा चावल की प्लेट जो है या कड़ी चावल की प्लेट जो है वो उठाते हैं और साथ में भाई उसके साथ पटियाला लेते हैं। तो आज हम है जी लुधियाना में, पंजाब में, और हम यहां पे आए जी फिरोज गांधी मार्केट में, जहां पे विनोद भैया जो है पिछले 16 साल से ना, हाँ जी सर, 16 साल से राजमा चावल और कढ़ी चावल बेच रहे हैं। और भाई इतना ज्यादा जबरदस्त यहाँ का जायका है कि लोग बहुत दूर दूर से अपना काम छोड़ के यहाँ पे आते हैं ब्रेक्स में और यहाँ पे खाते हैं जी राजमा चावल और कढ़ी चावल। विनोद भैया नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया सर। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया मुझे। आपकी प्लेट्स देख के ना थोड़ा सा हिमाचली धाम जो है वो याद आया। तो आप हिमाचल से? नहीं सर, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। वैसे आप हरियाणा से? हाँ जी। तो जो वैसे हिमाचली धाम होता है ना, वैसी सी जो सुगंध है वो आ रही है। बहुत ही जबरदस्त आपका प्रिपरेशन है। हरियाणा में कहाँ से आए थे आप? सर हरियाणा मेरा कैथल जिला जी, राजौंद में। अरे वाह, कैथल से? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। तो कैथल से विनोद भैया जो है वो लुधियाना आए और यहाँ पे 16 साल पहले शुरू किया, और शुरू से यही रहा है जो सामान आप अभी लगा रहे हैं? हाँ जी शुरू से। तो बताइए जरा क्या क्या होता है और जरा दिखा के बताइए, ज्यादा मजा आएगा। सर मेरे पास राजमा चावल और कड़ी चावल होते हैं। तो ये राजमा है जी, ये सर कैथल स्टाइल के हैं, पंजाब स्टाइल के? ये पंजाब स्टाइल के हैं। अच्छा, पंजाब वाले हो गए। हाँ जी। और चित्रा राजमा है या जम्मू वाले? ये चित्रा है। ये है जी चित्रा राजमा और एकदम बढ़िया पके हुए दानेदार, और तरी जो है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बढ़िया इसकी पकाई हुई है। कितने घंटे लगा के पकाते हैं सर ये? ये सर सुबह 5 बजे उठते हैं जी। अच्छा, सुबह 10:30 बजे तक माल तैयार हो रहा है। अच्छा, 5 से 10:30 तकरीबन 5.5 घंटे, अगर मेरा मैथ कमजोर नहीं है, 5.5 घंटे लगा के आप ये सामान रेडी करते हैं। जैसे कितने किलो होगा ये कढ़ी का? ये कभी वेट नहीं किया, वेट नहीं चेक किया, बस प्लेट के हिसाब से 300-400 प्लेट लग जाती है सर जी। 300-400 प्लेट जो है वो दिन की लग जाती है, खर्चा पानी चल जाता है। कढ़ी के अंदर जो है पकौड़े हैं जी बहुत ही जबरदस्त, और बेसन के हैं सर? ये सर सब्जियों के पकौड़े हैं। सब्जियों के पकौड़े, हाँ मतलब पालक प्याज सब डाला हुआ है। हाँ जबरदस्त। ये है जी बासमती या सेला? पोना सर। है जी बासमती, टोटा पोना होता है ना जो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक बार दिखाइए, इसका भी ढक्कन उठा दीजिए। ये देखो जी राइस कितने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम मोतियों के जैसे राइस नजर आ रहे हैं दूर से। बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन है। और अगर आप लेफ्ट से लेके राइट तक देखो, यहाँ पे लोग खा रहे हैं। अभी लंच टाइम भी नहीं हुआ है, 1 बजे शायद थोड़ा भीड़ लगेगी, है ना? 1:30 बजे से भीड़ लगेगी। अभी तो 1 बजने में भी 6 मिनट बाकी हैं और यहाँ पे लोग जो है अपना अपना खाना पीना जो है वो लेके शुरू हो गए। एक बार लस्सी पे भी हाथ चला दीजिए जरा, इसके बारे में बता दीजिए। ये चाटी वाली है, दही वाली है? ये सर डेयरियों की लस्सी है, वैसे तो चाटी वाली समझ ली इसको। अच्छा, इसको चाटी वाली समझते हैं। और एक तरह से वो जैसे कहते हैं मट्ठा? हाँ जी सर, वो है ना? हाँ जी। बहुत बढ़िया, इनकी सुगंध से। मम्मी बनाती है। अच्छा, आपके माता जी बनाते हैं? वाह। तो विनोद भैया के माता जी जो है, इतना बड़ा टैंकर देखो यहाँ पे पड़ा है, वो बनाते हैं रोज सुबह उठ के। आप भी साथ में उठते हैं? नहीं सर, मैं कटिंग ही करता हूँ। अच्छा, मेरी मम्मा साथ में वाइफ लगते हैं। अच्छा, तो मतलब प्याज टमाटर कटिंग का काम आपका है, तड़का लगाने का काम उनका है, सब उबालने का और ये सब चीजें करने का सब काम वही कर। जी जी जी। और कढ़ी में भी बहुत टाइम चाहिए, ऐसे नहीं है कि हम मतलब इतना बड़ा कंटेनर जो है कढ़ी का लगाना बहुत लंबा काम है। तो सर कुछ प्लेट्स लगा के दिखाइए, ये किस चीज की प्लेट लग रही है, राजमा या कढ़ी? ये हाफ प्लेट कढ़ी चावल लग रही है। ये लग रही है जी हाफ प्लेट कढ़ी चावल की। और भाई ये देखो स्टील की प्लेट्स है, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर। आपको बोलेगा तो उसको डिस्पोजल में भी लगा देते हैं सर। जी जी। पर सर जो मजा स्टील में आता है ना, वो डिस्पोजेबल में नहीं आता। हमारे पास प्लेट प्रॉपर घर जाके धोते हैं, यहाँ पे बार बार नहीं यूज करते। जी जी जी। जब जितना माल उतनी प्लेटें। जी जी जी। बस तो जो प्लेट्स जो है स्टील की प्लेट्स हैं, इनको घर जाके धोते हैं, यहाँ पे नहीं धोते। मतलब ये नहीं है कि रीयूज करेंगे यहाँ पे, इनको फ्रेश पानी से घर पे धोया जाता है। और ये देखो राजमा दानेदार एकदम यार। भाई ये वीडियोस बनाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब सामने वाला खाना जो बहुत बढ़िया हो, क्योंकि इतनी बढ़िया जो अरोमा आता है उसका, एक जो जीभ लप लप आती है, जो अभी मेरे साथ हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। काफी पुराने खड़े हैं। अच्छा, अजीब मेरे को पुराने हैं। देखो भी इधर सब तरफ से घेरा हुआ है इनके पुराने कस्टमर्स ने इनको, और बैक टू बैक जो है बस प्लेट सब लगती जाएंगी और लोग जो है आते जाएंगे और खाते जाएंगे। आपको सर छुट्टी भी है वैसे, बैंक वगैरह बंद है? जी जी जी। वैसे तो सर भीड़ लगी होती है कभी, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की, पर इतनी भीड़ होती है कि मैं घबरा के वापस चला जाता हूँ। 1-1.5 घंटे का काम होता है ना लंच। जी, का, जी, वो जी। लंच के लिए फिर एकदम सारे सभी का लंच एक साथ होता है यहाँ। जी जी जी। तो उसलिए थोड़ा क्राउड हो जाता है। शुरू में जब आप आए थे 16 साल पहले तो फिरोज गांधी मार्केट ऐसी नहीं थी ना? नहीं सर, मैं स्टॉक चेंज में काम करता था, कैंटीन में काम करता था। अच्छा,
वहाँ पे आप मतलब जॉब करने आए थे? हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये कैसे सोचा? दो तीन महीने जॉब किए हैं। अच्छा, बस वैसे ही मन मर गया यहाँ पर कुछ लगाए, खुद लगाने का, तो घर सलाह करके जी। तो फिर यहाँ पर राजमा चावल, कड़ी चावल लगाए। खाना बनाना आपने घर से सीखा था या कैंटीन से सीखा था? नहीं, खाना बनाना आजकल तो यूट्यूब जो मर्जी सीख लो। जी जी जी, जो उस टाइम पे सीखा था। हमारा हरियाणा में ढाबा था सर। अच्छा, हरियाणा में आपका ढाबा था? हाँ, मेरे बड़े ब्रदर का ढाबा था। जी जी, जी। उसको कुकिंग का मास्टर था, इसलिए उन्हीं के गुण है हमारे में भी। उस टाइम पे तो स्टॉक मार्केट भी जो जद्दोजहद होती होगी। हाँ जी, इतना ही रास्ता। तो आपको कोई टिप विप देके जाते थे कि ये खरीद लो ये बेच दो? नहीं, ये वाला माहौल देखा आपने? नहीं सर, बस यही आपका ध्यान खाने पे था। हाँ जी सर। ये देखो, कढ़ी चावल, राजमा चावल मिक्स करके, कढ़ी की खटास और राजमा की मिठास और साथ में प्याज का क्रंच, और भाई ये प्लेट्स बन बन के तैयार हो रही हैं। मैडम, विनोद भाई एक बार प्राइसेस भी बता दो। सर, हाफ प्लेट 20 रुपए जी, फुल प्लेट 30 रुपए। अच्छा, फुल प्लेट 30 रुपए की है? हाँ जी सर। सर, जहाँ से सामान लेते हैं ना हम, चावल वगैरह, वो भी अपने को वही रेट लगाते हैं जो काफी टाइम से पहले से लगाते हैं। उनको पता है रेट बताता नहीं है जी, तो वो भी मेरे को उसी रेट पे लगाते हैं। क्या बात है। तो मतलब ये देखो, भाईचारा ऐसा है कि इकोनॉमी का जो चेंज आया, इन्फ्लेशन जो आई है, वो भाईचारे में खत्म हो गई है। भाईचारे में प्राइसेस जो है वैसे ही रखे हुए हैं। सेल बढ़ जाती है ना, इसलिए रेट भी नहीं बढ़ाते जी, क्योंकि सही है। मतलब आप नंबर पे खेल रहे हैं आप। हाँ। ये नहीं चाहते कि कस्टमर कम हो। हाँ, या कोई भूखा यहाँ से। 6,000 सैलरी वाला भी आता है जी, 50,000 सैलरी वाला रहता है। जी जी जी। अगर हम रेट बता देंगे 50 रुपए कर देंगे, तो 6,000 वाला कहाँ खाएगा सर? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सबके लिए सोच के एक आम रेट रखा हुआ है, और पैकिंग भी है सर सेम रेट पे? हाँ जी सर, 30 रुपए में। हाँ जी, हाँ जी। फुल प्लेट। हाँ जी। अब बात है यार, बैक टू बैक जो है वो प्लेट्स लगती जाती हैं ऐसे, राइस और मेरा का रेट बताने की जरूरत ही है ना सर? हाँ जी, आप ही पैसे दे जाते हैं कस्टमर, उनको पता है। क्या बात है। खड़ी। अच्छा, यहाँ पे आके कोई पूछता भी नहीं है ना आपसे कि कितने के? सीधा बोलते हैं कि एक प्लेट लगा दीजिए। नया कस्टमर तो पूछ लेता सर जी, पुराने को तो पता होता। जी जी जी। और विनोद भाई एक बार लोकेशन भी बता दीजिए अपनी, लोकेशन क्या है अगर किसी को आना हो? फिरोज गांधी मार्केट, सेंट्रल बैंक के साथ जी, लुधियाना जी। और यहाँ पे आप स्टॉक्स का भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं? वो सामने स्टॉक एक्सचेंज के पास है। स्टॉक एक्सचेंज के एकदम सामने है जी विनोद भैया। लग रही जी हमारी प्लेट, सबसे पहले तो देखो राइस खिले खिले एकदम, और साथ में आ गए राजमा एक तरफ, और इस तरफ आ रही है जी एक कढ़ी, ये देखो, वाह। और इसका जो अरोमा है ना, लहसुन और मसालों का जो अरोमा, इतना जबरदस्त आ रहा है सर। कभी लहसुन के बिना भी बनाते हैं? लहसुन वाली होती है? नहीं सर, लहसुन अदरक इसमें नहीं डालते, कड़ी में नहीं डालते। कड़ी में अगर किसी को व्रत वाला खाना भी खाना हो तो वो हो जाएगा? देते नहीं है व्रत वालों को, हाथ वगैरह लगे होते हैं। जी 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 जी। मैं भी बोलता जी व्रत वाले को ना कर दे, आप बोल देते हैं कि व्रत वाला नहीं है। बढ़िया, बहुत प्याज मेरे सारे तो प्याज में लगे रहते हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब हम ये प्लेट जो है वो एंजॉय करते हैं जी। विनोद भैया, मैंने ये बाकी सब कुछ तो बहुत सही है, मैंने सुना यहाँ पे आप पटियाला भी देते हैं, मतलब राजमा चावल के साथ पटियाला दे रहे हैं, दोपहर को लोगों को चढ़ा देंगे आप? अच्छा, ये छोटा गिलास खन्ना है 10 रुपए का? ओ भाई, अच्छा ये धार ऊपर से आती है पटियाला से? सर एक मनाली भी बना दो थोड़ा और ऊपर, इतनी दूर जाते नहीं है। एक पटियाला और डालिए सर, ये देखो भाई ये पटियाला है। धार पकड़ने के लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा सर, एक और लगाइए, ऐसे पता नहीं चला। ये देखो पटियाला, ओ भाई क्या बात है जी। और पटियाला कितने का है सर? ये 20 रुपए। कितने ml होता है इसमें? इसमें 300 ml। और उसमें छोटे वाले में? उसमें 200। और चढ़ती कितनी है? एक घंटा सर रहता है। बढ़िया भाई साहब, ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा। सबसे पहले तो भाई ये जो प्लेट है ना पूरी, ये हाफ प्लेट है और ये 20 रुपए में। पहले आप प्लेट का साइज चेक कर लो, और इस साइज में इतना क्वांटिटी आपको स्टील की प्लेट में 20 रुपए में मिल जाए, तो भाई आप कैसे कह सकते हो कि महंगाई हो रही है यार? ये तो और चीजें सस्ती हो रही है ऐसे लग रहा है। 20 रुपए में ये प्लेट राजमा चावल, कढ़ी चावल की आपको मिल जाएगी, और साथ में एक मिनट, ये मैं चम्मच से थोड़ी गुस्ताखी कर लूँ, और ये देखो ये प्याज और साथ में हरी चटनी, और ये है जी राजमा। तो ये एक बाइट ट्राई करते हैं जी यहाँ से। मैं तो ना भाई कढ़ी का फैन हूँ, आपको पता ही है, तो ये बाइट हम लेंगे भाई, ये वाली। Here's a bite of the कढ़ी चावल, यहाँ के बहुत ही ज्यादा स्पेशल। और भाई इसके साथ मैंने पटियाला नहीं लिया क्योंकि मैं दिन दिहाड़े नहीं पीता। Here goes. 20 रुपए के अंदर मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये कढ़ी का स्वाद, मतलब अंदर सूखा धनिया, खड़े मसाले सब डाल के एकदम बढ़िया पकाई हुई कढ़ी है। ये नहीं कि कम पकाओ और क्वांटिटी ज़्यादा रखो, एकदम बढ़िया तरीके से पकाई हुई कढ़ी है, एकदम बढ़िया प्रेपरेशन है। और यहाँ पे जैसे भैया ने बोला, 50,000 सैलरी वाले भी आते हैं और 6,000 सैलरी वाले भी आते हैं, तो सबको
एक ही रेट पे 20 रुपए में या 30 रुपए में भैया यहाँ पे खाना बेचते हैं और बहुत ही ज्यादा उम्दा और बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रेपरेशन रहती है। आपने अगर यहाँ पे ट्राई किया हुआ है तो भाई कमेंट करके बताओ, ताकि हमारे जो न्यू परिवार वाले हैं जिन्होंने अभी तक यहाँ पे नहीं खाया है उनको पता चल जाए कि खाना कैसा है। और अगर आपने नहीं ट्राई किया तो भाई साहब यहाँ आ जाओ और यहाँ पे ट्राई करो, और मेरी गारंटी है कि 30 रुपए के अंदर आपका पेट भी फुल और आपके पैसे भी वसूल हो जाएंगे। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, पंजाब नरेसा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी ही एक जबरदस्त वीडियो अबाउट अनदर अमेजिंग प्लेस दैट सेलिंग अमेजिंग लंच, तो भाई ये देखो।